कृपासिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। इस पवित्र मंच पर समस्त गुरु भक्तों की अंतरात्मा परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। परमाराध्य गुरुदेव के ही आत्मस्वरूप अभिन्न स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन यतीन्द्र कुल तिलक आचार्य प्रवर ब्रह्मर्षि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वर्तमान में ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि के प्रत्यक्ष विग्रह स्वरूप आचार्य प्रवर ब्रह्मर्षि यतीन्द्र कुल तिलक पूज्यपाद सचिकांत स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पवित्र मंच पर तीर्थों को भी पवित्र कर देने वाले तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी आप लोगों ने हमारे संचालक महोदय से मेरी प्रशंसा में दो शब्दों को सुना। पहला शब्द था संत और दूसरा शब्द था महर्षि। हमको सुनकर भीतर से अच्छा नहीं लगा। सब किसी के नाम में इस बृहद शब्द कल्पद्रुम का महत्तम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संत पलटू साहब की वाणी में है, अनुभव परगास भया जिसको तिस ही की बात प्रमाण है। अंदर के सब खुल गए पट, पक्का उसी का ज्ञान है जी। लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे उसका तेज कैसा जैसा भान है जी। पलटू जगत से ती पीठ दिए, नहीं संत होना अवसान है जी। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। हम तो बहुत जगह बहुत भक्तों से कहते हैं, जिन्होंने अब तक गुरु मंत्र नहीं लिया है वे यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो दिन रात संत संत ही जपते रहे, आपको शांति मिल जाएगी।
यह शब्द ही महान शांतिदायक है। आप लोग देख रहे हैं इस विशाल सभा में बैठने की जगह नहीं है, सोफा पर बैठने वाले, पलंग पर बैठने वाले, सारी सुविधाओं के बीच जीने वाले, समग्र सुविधाओं से भरे पूरे लोग आज सामान्य पुआल पर बैठे हैं। सब प्रकार के महत्तम भोज्य सामग्रियों का घर में उपभोग करने वाले, सामान्य चावल दाल सब्जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, आप लोगों का मुंह इतना सुंदर लग रहा है, आप लोग भीतर से और बाहर से भी इतने प्रसन्न लग रहे हैं, लगता नहीं है कि इतना प्रसन्न आप घर में कभी रहते होंगे। समग्र भोगों के बीच भी आपके जीवन में आनंद नहीं, लेकिन यहाँ सब के सब आनंदित हो रहे हैं। क्यों? यह आपका आनंद है? नहीं नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा ही आनंद के स्वरूप है। ब्रह्म सूत्र में भगवान वेद व्यास जी से शिष्यों ने पूछा है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उन्होंने क्या बतलाया? आनंदमय। ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। शिष्यों ने पुनः पूछा, आप पुस्तक पढ़कर बतला रहे हैं कि पुस्तक की बात सुनकर बतला रहे हैं? उन्होंने कहा, अभ्यास, अभ्यास करके बतला रहा हूँ। मैंने इस पर अभ्यास किया है कि ब्रह्म आनंद के स्वरूप है। जिनकी चर्चा सुनने मात्र से आनंद प्राप्त होता है, उनका भजन करने से कितना आनंद प्राप्त होगा, और जिस दिन दर्शन हो जाएगा उस दिन आपका जीवन स्वयं आनंदमय बन जाएगा। ऐसे जो आनंद के स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, उन परमात्मा से जो अभिन्न हो गए हैं, ऐसे कोई संत कहते हैं। वे एक संत यहाँ पर विराजमान हैं, आप देख रहे हैं, उनकी शरण में इतने लोग बैठे हुए हैं। उनकी शरण में बैठने मात्र से सबका जीवन आनंदमय हो रहा है। संसार में एक संत हो जाए तो शांति प्रदान करने के लिए काफी होते हैं। इतना महत्वपूर्ण शब्द सबके नाम में नहीं लगाया जा सकता। जो योग्य हैं उनमें अवश्य लगाया जा सकता है, हमें प्रसन्नता होती है। और महर्षि शब्द भी कम नहीं होता। ऋषि का मैं सामान्य अर्थ करता हूँ, रिसर्च करने वाले, रिसर्चर। कोई कोयला का रिसर्च कर रहा है, कोई अभ्रक का रिसर्च कर रहा है, कोई वैक्सीन का रिसर्च कर रहा है, कोई किसी चीज का रिसर्च कर रहा है, जो दिन रात अंदर में अपने को समाविष्ट करके अपनी अंतरात्मा का रिसर्च कर रहा है, ऐसे को ही ऋषि कहते हैं। और रिसर्च करते करते जो उस परात्पर ब्रह्म का अनुसंधान करते करते साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हीं को महर्षि कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। और विप्र कुल में उद्भूत महापुरुष को ही ब्रह्मर्षि कहा जाता है।
ब्रह्मर्षि शब्द सब कुल में जन्म लेने वालों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ऋषि, इन शब्दों का प्रयोग सभी वर्णों में होता है, लेकिन ब्रह्म कुलोद्भव महापुरुष के नाम में ही ब्रह्मर्षि शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ आप लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे में महर्षि शब्द लगा दिया जाए और संत शब्द का प्रयोग कर दिया जाए यह उचित नहीं। मैं बारंबार हाथ जोड़ करके संचालक महोदय से प्रार्थना करता हूँ, जीवन में कभी भी मेरे लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं। हमको तो आप लोग व्यास ही सुरक्षित करके रखें, इतने से ही संतुष्ट रहूँगा, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। सुबह का प्रतिपाद्य विषय बड़ा ही सुंदर था, संत की महिमा। अभी का विषय देखिए, सद्गुरु की महिमा, यह भी कम महत्वपूर्ण विषय नहीं। एक ही दिन में संत की महिमा, सद्गुरु की महिमा पाठ करके सुनाया गया। मेरे से पंजाब में आजकल के बहुत पैसे वाले, कार वाले, प्रतिष्ठा वाले गुरु के भक्त ने पूछा, महाराज जी, आपके गुरु महाराज जो हैं उनके साथ में कितने बॉडीगार्ड रहते हैं, और आपके गुरु महाराज जो हैं उनके पास कौन सी गाड़ी है। मैंने कहा, आपको पूछने के लिए यही सब्जेक्ट रहा मेरे से, आपके गुरु महाराज के साथ में कितने बड़ी गाड़ और कौन सी गाड़ी। गुरु की महिमा बड़ी गार्ड से है, गुरु की महिमा अच्छी से अच्छी गाड़ी से है। लोग अच्छी से अच्छी गाड़ी पर बैठ करके अपनी गुरुता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। मेरे पास तो हरिद्वार में ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जिनके पास दो दो करोड़ की गाड़ी है, ढाई ढाई करोड़ की गाड़ी है, और हाथ में घड़ी जो पहनते हैं उस घड़ी की कीमत 20 लाख। क्या इन चीजों से गुरु की महिमा है? ऐसे गुरु के चेले होंगे, मेरे से पूछ दिया। मैंने कहा, तुम्हारे गुरु के पास कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? अरे महाराज क्या कहें, 40-45 गनमैन तो रहते ही है। मैंने कहा, बस 40-45 ही? कहा, मैंने कहा, हमारे गुरु महाराज के बॉडीगार्ड कोई गनमैन नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई देवता भी नहीं, कोई भूत प्रेत भी नहीं, कोई राक्षस भी नहीं, लेकिन बड़ी गार्ड हैं। कौन? हमारे गुरु महाराज के बड़ी गार्ड अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परमात्मा हैं, जिनके सुरक्षा गार्ड बन करके 2400 घंटे परमात्मा पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे पावरफुल व्यक्तित्व को ही सदगुरु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, सारी दुनिया तो मेरे पीछे पीछे चलती है, लेकिन
मैं संत सदगुरु के पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया तो आपके पीछे चलती ही है और आप संत के पीछे चलते हो, क्या विशेषता है संत में, क्या विशेषता है सदगुरु में जो आप उनके पीछे पीछे चलते हो। भगवान ने कहा, अणु ब्रजाम्य हंग नित्यं पूये ये त्यंग रेणु भी, उनके चलने से जो उनके चरणों से धूल उड़ेगी उस धूल का संस्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान के चरण नख से गंगा निकली है, ब्रह्मांड पुराण में भी चर्चा है, वामन पुराण में भी चर्चा है, भागवत में भी चर्चा है, बहुत ग्रंथों में चर्चा है। तुलसीदास जी महाराज ने भी रामायण में लिख दिया है, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी। भगवान विष्णु के चरण नख से गंगा निकली है, गंगा में ताकत कितनी है तीनों लोकों को पवित्र करने की। अब आप लोग यह बतलाइए कि गंगा विशेष पवित्र है कि जिस नख से गंगा निकली है वह नख विशेष पवित्र है? आपको कहना पड़ेगा जिस नख से गंगा निकली है वह नख विशेष पवित्र है। नख तो शरीर का सबसे नीचे का निकृष्ट अंग होता है, जिनको काट काट कर बीच बीच में फेंक दिया जाता है। भगवान के अंग के त्याज्य नख में इतनी ताकत है, इतनी पवित्रता है कि गंगा को प्रकट कर दे। तो गंगा से विशेष पवित्र भगवान के चरण नख, और जिस अंगुली में वे नख हैं वे अंगुली ज्यादा पवित्र की नख ज्यादा पवित्र? कहना पड़ेगा अंगुली ज्यादा पवित्र। जिस पैर की अंगुली है वह पैर ज्यादा पवित्र की अंगुली ज्यादा पवित्र? कहना पड़ेगा चरण ही ज्यादा पवित्र। जिस शरीर के वे चरण हैं वे शरीर ज्यादा पवित्र के चरण ज्यादा पवित्र? तो कहना पड़ेगा भगवान के सर्वांग पवित्र हैं, शरीर ज्यादा पवित्र हैं। और संत और शास्त्र कहते हैं, वे भगवान कहते हैं कि संत के चरणों से धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अब बताइए कि भगवान का शरीर विशेष पवित्र कि संत के चरणों की धूल विशेष पवित्र? इसीलिए कहा, रज चाहत कैलाश को वासी। कैलाशपति भगवान शिव शंकर भी संत चरण धूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मैंने कहा ऐसे हमारे सदगुरुदेव हैं कि उनके पीछे पीछे परमात्मा सुरक्षा गार्ड बन करके घूमते हैं। ऐसे सदगुरु की शरण में हम लोग आए हुए हैं जिनके पीछे पीछे परमात्मा चलते हैं। परमात्मा के पीछे कौन चलते हैं? परमात्मा के पीछे कोई बॉडीगार्ड नहीं होता है, इसीलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में उनको खुदा कहा जाता है, जो खुद आ जाए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, वे स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं होते हैं। ऐसे परमात्मा जो सब तरह से सुरक्षित हैं,
संत सदगुरु के पीछे पीछे चलते हैं, और जो संत सदगुरु की शरण में रहेंगे उनका संसार में कौन क्या बिगाड़ लेगा। दुनिया घबरा रही थी, यहाँ का 11वां भारतवर्षीय अधिवेशन इस कोरोना काल में कैसे सफल होगा, सब घबरा रहे थे कैसे सफल होगा, और जो कह रहे थे कैसे सफल होगा वे यहाँ आकर के देख लें कि कैसे सफल हो रहा है। सदगुरु में इतनी ताकत है जो कालन के अति कराल समर्थ गुरु दयाला, जो काल के भी महाकाल हैं। मैंने महर्षि मिहि सहस्रनाम स्तोत्रम में गुरु महाराज का एक नाम रखा है, काल केतु कलाधर, और एक शब्द और है काल वंच कह, काल को भी ठग लेने वाले, काल को भी चकमा में डाल देने वाले, काल के ऊपर भी शासन करने वाले, ऐसे सदगुरु जो कालन के अति कराल हैं उनके सामने कोरोना क्या कर लेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एकाध लोग ही जो कोरोना को फिर से बुलाना चाहते हैं मास्क लगा कर बैठे हैं, बाकी सब खुले मुंह बैठे हैं। खुले मुंह बैठना चाहिए ताकि जयकार बोलने में आराम रहे, साफ साफ जयकार निकले, उस जयकार के साथ ही यदि बहुत पहले का बचा खुचा कोरोना भी भीतर में होगा तो बाहर निकल जाएगा, रहेगा नहीं। मैंने कहा पंजाब के उस भक्त को हमारे सदगुरु महाराज के पीछे स्वयं परमात्मा बड़ी गार्ड होकर के विचरण करते हैं, है तुम्हारे गुरु के पीछे से बड़ी गार्ड। फिर मैंने कहा तुम्हारे गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं, बताया अरे महाराज क्या कहते हो 50-60 गाड़ियां, और एक ही नंबर की 10-10 गाड़ियां हैं। मैंने कहा गाड़ी का नाम क्या है तो गाड़ी का नाम भी बता दिया, और दाम क्या है तो दाम भी बता दिया, करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक की गाड़ी का नाम बता दिया। मैंने कहा वह गाड़ी डीजल पेट्रोल भी खाती होगी, हाँ महाराज, प्रति घंटा उस गाड़ी की स्पीड कितनी है वह भी बता दिया। मैंने कहा उस गाड़ी में जो बैठता होगा उनको भूख तो नहीं लगती होगी, प्यास तो नहीं लगती होगी, अरे महाराज लगती तो सब है। मैंने कहा उस गाड़ी में बैठने वाला कभी मरेगा कि नहीं मरेगा, जरूर मरेगा। मैंने कहा तुम्हारे गुरु जी के पास सारी नकली गाड़ियां हैं, तो आपके गुरु जी के पास कितनी गाड़ियां हैं। मैंने कहा हमारे गुरु जी के पास एक ही गाड़ी है, और वह गाड़ी ना पेट्रोल खाती है ना डीजल खाती है। बिना डीजल पेट्रोल को खाने वाली गाड़ी क्या बिजली चलती है, क्या बिजली भी नहीं खाती। आजकल तो बेंगलुरु सिटी सब में जाइए बिजली पर ही चार्ज होकर के गाड़ी चलती है, डीजल पेट्रोल की भी कोई जरूरत नहीं, बिना डीजल पेट्रोल की। और उस गाड़ी की स्पीड क्या बताऊं, पल ही में फिरे नवखंड और ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानिए तो आब तो न दिसे कछु, ऐसे ही बलाई से अब तो परो पानो है, सुंदर कहत या की गति हुने लखी परे, मन के प्रतीत को करत देवानो है।
एक ही क्षण में सारे विश्व ब्रह्मांड में घूम करके वह गाड़ी आ जाती है। कहा उस गाड़ी का नाम क्या है महाराज? मैंने कहा उस गाड़ी का नाम है मन। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जिनकी गाड़ी का नाम है मन। हमारे गुरुदेव उसी गाड़ी पर बैठकर सारे विश्व ब्रह्मांड में बैठे हुए अपने भक्तों का निरीक्षण परीक्षण करते रहते हैं। मैंने इस प्रकार से बतला दिया। 2 साल के बाद फिर पंजाब गया। संयोग से वह भक्त पीछे बैठा हुआ था। हम तो आगे पीछे सब देख लेते हैं, कौन बैठा कौन नहीं बैठा, कौन आया कौन नहीं आया, पहचान लिया कि वही है गुरु की गाड़ी है, गुरु का बॉडी गार्ड पूछने वाला। आरती के बाद बुलाया, मुझे तो पता चल ही गया था। मैंने पूछा आजकल तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं? तो शर्म के मारे बोल नहीं रहा था। तो बोलता क्यों नहीं है? सिर को नीचे कर लिया। अरे बोलो तो सही, बोलने में क्या शर्म है? तब तक बगल वाले ने कहा इनके गुरु जी जेल में करोड़ों करोड़ों की 50-60 गाड़ियां रखने वाले आज जेल में सर रहे हैं, और 40-45 बड़ी गार्ड को साथ में रखने वाले भी आज अकेले और सुरक्षित जेल की हवा खा रहे हैं। और हमारे गुरुदेव कैसे हैं? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जलय अग्नि यामे दुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। यह जीव अनादिकाल से शरीर संसार की कारागार में कैद है। उस कैदी जीव को सदा सदा के लिए शरीर संसार से निर्मुक्त करके परात पर ब्रह्म में मिला देने की ताकत रखते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको जेल का मुंह दिखला सके। हाँ, उनमें यह ताकत जरूर है कि समग्र विश्व ब्रह्मांड के कैदी जीव को शरीर संसार रूपी कारागार से बाहर करके निकाल दे। सामान्य जेल को कौन कहे जो शरीर संसार रूपी कारागार से बाहर कर दे। ऐसे बाहर करने वाले को ही सदगुरु कहते हैं। भगवान शिव शंकर ने ऐसे गुरु के विषय में बतलाया है ब्रह्मा जी से। गुरुड़ ब्रह्मा, गुरुड़ विष्णु, गुरुड़ देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, नौ गुरु अधिक कश्चिन त्रिशु लोकेशु विद्यते। मैं इस प्रकार से हरियाणा में सुना रहा था। एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा महाराज आप दुनिया को पागल बना रहे। मैंने कहा क्या पागल बनाया? आप कहते हो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, एक ही आदमी तीनों कैसे हो जाएंगे? या तो गुरु को ब्रह्मा कह दो हम मान लेंगे, या गुरु को विष्णु कह दो मान लेंगे, या गुरु को शिव जी कह दो मान लेंगे, तीनों कैसे हो जाएंगे? एक आदमी तीनों कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा यह तो साधारण बात है। जहाँ हमारी जन्मभूमि वहाँ पर साल में एक बार काली पूजा के अवसर पर नाटक होता था। उस नाटक में बहुत लोग अपना अपना रोल अदा करते थे। कोई राम बनते थे, कोई रावण बनते थे, कोई हरिश्चंद्र बनते थे, क्या से क्या बनते थे।
उस गांव में एक मुसलमान भी था, था वह मुसलमान बड़ा धार्मिक, तो वह भी नाट्यशाला में कोई पार्ट का रोल अदा करने के लिए दाखिल हो जाता था। उसमें इतनी कला थी, नाट्य कला दिखलाने की, कि कभी कोई दूसरा पार्ट रोल अदा करने वाला बीमार हो जाता था तो लोग खुशामद करके उनका भी रोल उसी से करवा देता था। वही रावण का रोल करके दिखला देता था, यदि राम बीमार हो गया तो राम भी उसी को बना देता था, रावण का खेल भी खूब बढ़िया से दिखलाता था, राम बन करके भी बढ़िया से दिखलाता था, कभी विभीषण बनना पड़ जाए उसी को विभीषण भी बना दिया जाता था। एक सब कर्म करने वाले, सब कुछ खाने पीने वाले एक संसारी व्यक्ति एक सामान्य नाट्यशाला में खड़ा होकर के कभी राम बन करके खेल दिखलाता है, कभी रावण बन करके खेल दिखलाता है, कभी विभीषण बन करके खेल दिखलाता है, और एक अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परमात्मा की सारी शक्ति को प्राप्त करके सर्व सामर्थ्यवान संत सदगुरु यदि ब्रह्मा का रोल करके दिखला दे, अकेले ही विष्णु का रोल करके दिखला दे, अकेले ही शिव का रोल करके दिखला दे, तो यह कौन बड़ी बात है। सदगुरु ही ब्रह्मा बनकर शिष्य के अंदर ज्ञान का सर्जन करते हैं, सदगुरु ही विष्णु बनकर शिष्य के अंदर के ज्ञान का संवर्धन करते हैं, और सदगुरु ही शिव बनकर शिष्य का परम कल्याण करते हैं, शिष्य के अंदर के सर्व विकारों का संहार करते हैं। इसीलिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव, फिर कहा न गुरु हृदय कश्चिन त्रिशुलोकेश विद्यते, तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं, तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं, यह क्यों कह दिया। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में शिव जी पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है एक ग्रंथ को, उस ग्रंथ में पार्वती जी ही शिव जी को उपदेश दे रहे हैं। उस ग्रंथ का नाम है रुद्रयामल तंत्र। उस रुद्रयामल तंत्र ग्रंथ में पार्वती जी बोल रही हैं, गुरु भक्ते परं नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वतः गुरु पूजां विना नाथ कोटि पुण्यं वृथा भवेत्। समस्त भक्ति शास्त्रों में गुरु की भक्ति से बढ़कर किसी की भक्ति नहीं है, इसीलिए हे नाथ जो गुरु की भक्ति को छोड़कर और किसी की भक्ति करता है उनके सारे किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक ग्रंथ है भारत में जिस ग्रंथ का नाम है कुलारणव, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है जन्म हेतु ही पितरौ पूजनीय प्रयत्नतः गुरु विशेष तो पूज्यो धर्मा धर्म प्रदर्शक। जन्म देने में माता पिता कारण है, इसीलिए सब प्रकार से माता पिता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका ज्ञान माता पिता से प्राप्त नहीं हो सकता, यह ज्ञान तो सदगुरु से ही शिष्य को प्राप्त होता है, इसीलिए गुरु विशेष तो पूज्य धर्मा धर्म प्रदर्शक। एक महात्मा शंख हुए,
उन्होंने भी बड़ा सुंदर कहा, किं दानेन किं तपसा किमन्य तीर्थ सेवया श्री गुरुरर्चितो जेना पादो तेनार्चितो जगत। दान करने से क्या हो जाएगा, तप करने से क्या हो जाएगा, यज्ञ करने से क्या हो जाएगा, जिन्होंने गुरु के चरणों की पूजा कर ली उनको तीनों लोकों की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का वचन पढ़िए, उन्होंने तो लिखा है सर्व वेदमयो विप्रह, ब्राह्मण सर्व वेदमय होते हैं, समग्र वेद विप्र के अंदर निवास करते हैं, विप्र वेद स्वरूप होते हैं, और सदगुरु सर्व देवमयो गुरु, गुरु सर्व देव स्वरूप होते हैं, समस्त देवताओं का निवास गुरु में ही होता है। गुरु महाराज की कृपा से भारत के एक से एक तीर्थों में ध्यान का शिविर लग जाता है। कभी कभी समुद्र के तट पर भी शिविर लगता है, बहुत तीर्थ समुद्र के तट पर भी है, वहाँ पर बहुत जगह से भक्त लोग आते हैं और मेरे से आकर कहते हैं महाराज जी यदि आपकी आज्ञा हो, जब घर से निकलकर इतनी दूर आ ही गए हैं तो गोदावरी में भी जाकर थोड़ा सा स्नान कर ही लेते हैं। मैं कह देता हूँ अच्छा अभी ध्यान भजन करो, अभी शिविर में जो आए हो शिविर का काम करो, फिर मैं खुद तुमको अपने साथ ले जाकर के गोदावरी में स्नान करवाऊंगा, मैं साथ जाऊँ। बड़ा खुश हो जाता है सुनकर। फिर कोई आकर के कहता महाराज आपकी आज्ञा हो तो गोमती में भी स्नान कर ही लूँ, कोई आकर कहता त्रिवेणी में भी डूब लगा ही लूँ। बहुत नदियों में स्नान करने की इच्छा भक्तों के अंदर में होती है, इस नदी में भी स्नान कर लूँ, उस नदी में भी स्नान कर लूँ। मैं सबको कह देता हूँ शिविर की समाप्ति जिस दिन होगी उस दिन मैं अपने साथ सबको लेकर के जाऊंगा, जो जो भक्त जिस जिस नदी में स्नान करना चाहेंगे मैं उस भक्त को उसी उसी नदी में स्नान करूंगा। सब लोग चकित हो जाते हैं एक ही समय में, और यह महात्मा गंगा कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, गोमती कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कावेरी कहाँ है, एक ही जगह पर एक ही समय में यह महात्मा समस्त नदियों में सबको कैसे स्नान करा देंगे। मैं कह देता हूँ संशय मत करो, तैयार रहना, शिविर की समाप्ति हो जाती है। मैं सारे भक्तों से कहता हूँ आज हम चलेंगे स्नान करने के लिए, चलो मेरे साथ। सब मेरे साथ हो जाते हैं, मैं सबको लेकर चला जाता हूँ समुद्र के तट पर, समुद्र में प्रवेश करता हूँ और सारे भक्तों से कहता हूँ आ जाओ सर। अरे महाराज मैंने तो कहा था गोदावरी के लिए आप तो समुद्र में लेकर जा रहे हैं, मैंने तो कहा था गोमती के लिए आप तो समुद्र में घुसा रहे हो, मैंने तो कहा था गंगा के लिए आप तो समुद्र में लेकर के जा रहे हो, मैंने कहा आ जाओ मेरे पीछे, मैं ऐसे जल में स्नान कराने के लिए तुमको बुला रहा हूँ जिस जल में दुनिया के समस्त जलाशयों का जल समाहित होता है। समुद्र समस्त जलाशयों का उद्गम स्थान होता है, सारे जलाशय समुद्र से ही प्रकट होते हैं, समुद्र में ही जाकर विलय को प्राप्त होते हैं। यथा नद्य संदमाना समुद्र स्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपेति दिव्यम्।
सारी नदियों का जल समुद्र में ही समाविष्ट होता है, कोई ऐसा जल नहीं जो समुद्र में नहीं हो। जैसे कोई भी ऐसा जल जो समुद्र में नहीं हो, वैसे ही कोई भी ऐसे देव नहीं जो सद्गुरु के अंदर निवास नहीं करते हो। सर्व देव मयो गुरु, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। एक बड़े ही विलक्षण संत हुए सुखदेव जी महाराज के शिष्य चरणदास जी महाराज, उन्होंने कितना सुंदर लिखा है। वेद रूप गुरु हो ही कि कथा सुनावहीं, शिष्य के लिए साक्षात वेद रूप सदगुरु होते हैं। शिष्य कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन यदि सदगुरु की सेवा करे तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो सदगुरु से प्राप्त नहीं हो सकता हो। आचार्य शंकर के चार प्रधान शिष्य हुए, उन चार प्रधान शिष्यों में सबसे छोटी उम्र का और सबसे बिना पढ़ा लिखा शिष्य तोटकाचार्य थे, लेकिन आचार्य शंकर के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। सब तरह से आचार्य शंकर की वह सेवा करता था, इसीलिए उस शिष्य के प्रति आचार्य शंकर के अंदर में बड़ी करुणा रहती थी। जब तक तोटक शिष्य मंडली के साथ आकर बैठ नहीं जाता था, तब तक वेदाध्ययन नहीं कराते थे, वेदांत का अध्ययन नहीं कराते थे, शास्त्र वाचन नहीं करते थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान शिष्य भीतरे भीतर कुपित रहते थे, भीतरे भीतर बड़े कुपित रहते थे। एक पढ़ा लिखा नहीं मूर्ख, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन इससे गुरु को कितना प्रेम है कि इनको बैठे बगैर शास्त्र वाचन नहीं गुरुदेव करते हैं। हम लोगों का समय खराब होता है, ये काम के धुन में रहता है, घंटे डेढ़ घंटे तक हम यहाँ बैठे रहते हैं और फिर धीरे धीरे बाद में आता है। एक दिन रहा नहीं गया तो हस्तमालकाचार्य ने शंकराचार्य से पूछी, बैठा गुरुदेव, उस मूर्ख शिष्य के कारण आप हम लोगों के ज्ञान को क्यों कुंठित कर रहे हैं? हम लोग इतने पढ़े लिखे विद्वान शिष्य हैं, हम लोगों को आप ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपका दुनिया में नाम होगा, और उस मूर्ख शिष्य के चलते हम लोगों का समय खराब होता है। आचार्य शंकर के मन में हुआ, इन शिष्यों के अंदर में बड़ा अभिमान हो गया है, गुरु की कृपा गुरु की करुणा और गुरु की सेवा का क्या महत्व है यह दिखलाने के लिए। एक दिन आचार्य शंकर ने बड़ी लीला की, कहा जाओ तोटक को बुला करके लाओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। हस्तमाल का आचार्य गया, तोटक उस समय आचार्य शंकर के कपड़े को धो रहे थे। कहा रे तोटक, गुरुदेव बुला रहे हैं, चलो पाठ शुरू होगा। तोटक कहता है, आधा अधूरा काम हम नहीं करते, गुरु के कपड़े धो रहे हैं, जब तक यह सेवा पूरी नहीं होगी तब तक हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे? तुम पढ़ लिख करके ताजमहल खड़ा करना, दुनिया में नाम कमाना, हम तो गुरु की सेवा करेंगे। हम पूरा कपड़ा धोकर के ही जाएंगे। बारंबार वह आग्रह करे, जल्दी से चलो गुरु पाठ शुरू करेंगे, जल्दी से चलो गुरु पाठ शुरू करेंगे। नहीं गए, वापस आया, गुरुदेव से कहा, वह तो आता ही नहीं, वह आता नहीं है, नहीं आता। अच्छा चलो आने दो, कोई बात नहीं, आने दो,
जब तक आया, वह आया पीछे से, पीछे बैठ गया, अपने समस्त विद्वान शिष्यों से आचार्य शंकर ने कहा, तुम लोग आज तक जितनी विद्या मेरे से प्राप्त किए हो, यह दोटक तो तुम्हारी बराबरी का विद्वान है नहीं, इनसे आज पूछो, जितना प्रश्न पूछ सकते हो पूछो। बड़े बड़े विद्वान शिष्यों ने पूछना शुरू किया, जितने प्रश्न पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और आखिर में तोटक से कहा, एक बार तोटक तू पूछ ले इन लोगों से। तोटक ने एक ही प्रश्न पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या बात है कि सब देखते रह गए, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, पढ़ने से विद्या प्राप्त नहीं होती है, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करने से, गुरु को प्रसन्न कर लेने से, अपने आचार विचार से गुरु के अंतःकरण को आह्लादित कर देने से शिष्य के अंदर समग्र विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। आज हमारे ब्रह्मचारी शिवानंद जी की मुखाकृति को देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना मोटा ग्रंथ इनका लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, कितनी डिग्रियां इनके पास हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। गुरु शुश्रूषया विद्या, भगवान मनु ने मनुस्मृति में लिखा, यथा खनन खनित्रेण नरो वारिद गच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषरुद गच्छति। जैसे कुदाल से खोदते खोदते आखिर में आदमी जल को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से गुरु की सेवा करते करते शिष्य समग्र विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। दुनिया की कोई ऐसी विद्या नहीं जो गुरु से प्राप्त नहीं हो जाए। इसीलिए चरणदास जी महाराज ने लिखा है, वेद रूप गुरु हो ही कि कथा सुना वही, साक्षात वेद के स्वरूप गुरु होते हैं, और शिष्य के अंदर का अज्ञान अंधकार को अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा ध्वंस कर देते हैं। पंडित को धरी रूप के अर्थ बता वही, एक साधारण से साधारण महात्मा, हमारे संत मत के मंच पर बड़ी बड़ी डिग्री वाले महात्मा नहीं होते हैं, बिल्कुल साधारण महात्मा, साधारण सेवा करने वाले महात्मा, साधारण पढ़े लिखे महात्मा, और ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान का उपदेश करते हैं कि सुनते ही बनता है, यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। पंडित को धरी रूप की अर्थ बता वही, ये सारे महात्मा ज्ञान स्वरूप सद्गुरु का जो थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से जिनका ध्यान करते हैं उनके अंदर जो गुण होता है ध्यान करने वाले में समाविष्ट हो जाता है। ज्ञान स्वरूप गुरु का ध्यान करते करते सामान्य शिष्य भी ज्ञानी बन जाता है। पंडित को धरी रूप की अर्थ बता वही, गुरु शिष्य के अंदर में समाविष्ट होकर शिष्य के ज्ञान का संचार करते हैं, ज्ञान का वर्धन करते हैं। अब सुनिए, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सर है, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सर है। गुरु कल्प वृक्ष के समान होते हैं, शिष्य के लिए गुरु साक्षात कल्प वृक्ष है। आप लोग कल्प वृक्ष नहीं देखे होंगे, अब मैंने देखा, आप लोग जाइए जोशी मठ, जोशी मठ में वासुदेवानंद सरस्वती का जहाँ मठ है, वहाँ पर देखिएगा एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम
कल्प वृक्ष है। दुनिया भर के भक्त लोग उस कल्प वृक्ष के दर्शन के लिए जाते हैं, उस कल्प वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। संयोग से मैं भी एक बार चला गया, लेकिन दूर ही बैठा रहा, परिक्रमा करने वाले को देखता रहा। सब परिक्रमा करते 3 बार 4 बार 7 बार और परिक्रमा करके जैसे ही बाहर निकलते वैसे ही वहाँ एक पुजारी होता, थाली में तिलक लेकर के और परिक्रमा करने वाले के सिर में तिलक लगा देता और तिलक लगा करके हाथ आगे बढ़ा देता, अब दो, अब 10 रुपये दे देता हाथ में, कोई 5 रुपये कोई 50 रुपये। इसी तरह से कल्प वृक्ष की छाया में दिन रात बैठा रहता और परिक्रमा करने वाले को तिलक लगाते रहता और सबसे 5-10 भीख मांगते ही रहता। कई एक दिनों तक हम देखते ही रहे। एक दिन पुजारी से ही नहीं रहा गया, उन्होंने मेरे से कहा, महाराज आप इस वृक्ष की छाया में नहीं आते, आप कभी परिक्रमा नहीं करते, आप धूप में बैठे रहते हो और हम लोगों को देखते रहते हो। मैंने कहा हाँ, हम देख करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। महाराज आप क्यों नहीं परिक्रमा करते, आप क्यों नहीं छाया में आते? मैंने कहा हम तो सबसे पहले तुम्हीं को देख करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कल्प वृक्ष उस वृक्ष का नाम है जिस वृक्ष की छाया में जो भी कल्पना आदमी करे वह कल्पना पूरी हो जाए, वह मनोरथ पूरी हो जाए। तो कितने साल से तिलक लगा रहे हो यहाँ? कहा 40 साल से। 40 साल से कल्प वृक्ष की छाया में सारे दिन सबके माथे में तिलक लगाते रहते हो और फिर भी तुम्हारी दरिद्री गई नहीं, दिन भर भीख मांगते ही रहते। हम 5 मिनट में कैसे इंद्र बन जाएंगे? 5 मिनट में हमारा मनोरथ कैसे पूरा हो जाएगा? 40 साल में तो भिखमंगा का भिखमंगा ही, अब तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, हमारा 5 मिनट में मनोरथ कैसे पूर्ण होगा? अरे महाराज आप तो वेदांत ही पढ़ाने लग जाते हो, भगवान शंकराचार्य का लगाया हुआ यह वृक्ष है। मैंने कहा भगवान शंकराचार्य जिस दिन वृक्ष लगाए थे उस दिन उस वृक्ष को लगाते हुए तुम्हारे बाप ने भी देखा था? देखा तो नहीं था, तब तो कैसे कह रहा है वे ही इस वृक्ष को लगाए। बड़े बड़े बरगद के पेड़ 100 साल में सूख जाते हैं, 2 साल में सूख जाते हैं, ये 1200 साल से अधिक हो गए, अब तक ज्यों का त्यों तरोताजा है, तो कहता उनका लगाया हुआ है, दुनिया को मूर्ख बनाता है। अब तक तुम्हारा मनोरथ क्यों नहीं पूर्ण हुआ? तब कहता है महाराज इसका पता तो मुझे भी नहीं है। मैंने कहा इसका पता तुम्हें इसीलिए नहीं है, कोई पक्का गुरु के पास जाकर ज्ञान नहीं प्राप्त किए हो। पक्का गुरु के पास जब जाओगे तब तुम्हें ज्ञान होगा। इस कलयुग में शिष्य के लिए प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष कौन सा है? सतयुग में कल्प वृक्ष की बातें हम सुनते हैं, त्रेता में सुनते हैं, द्वापर में सुनते हैं, सुनते हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन कलयुग में प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष शिष्य के लिए सदगुरु को बतलाया गया है। हमारे पूज्यपाद बाबा बड़े मनोरथ लेकर के हमसे 2-2.5 साल से यहाँ के अधिवेशन के संबंध में बातचीत करते थे। अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं, बुढ़ापा तो शरीर में आ ही गया है, एक बार मनोरथ है कि परमाराध गुरुदेव के पावन स्थल पर
जन्मस्थल पर तपस्थल पर एक विराट सत्संग का आयोजन मेरे माध्यम से हो जाए, आगे जो होगा सो होगा, एक बार हो जाना चाहिए। सत शिष्य के मनोरथ को सदगुरु पूर्ण करते हैं। कोरोना का भयंकर काल पिछले साल सवार हुआ देश पर, यह कार्यक्रम थोड़ा टल गया, लेकिन इनके कारण नहीं टला, भारतीय संविधान के कारण टला, टलता गया। अब वर्तमान साल आ गया, मेरे पास भी फोन गया, इस बार तो करना ही है। और मेरा भी दिल में होता था कि गुरुदेव हमारे पूज्यपाद के मनोरथ को तो अब पूर्ण कर ही दीजिया, इस बार तो हो ही जाना चाहिए। कितना भी कोरोना आ जाए, सदगुरु की करुणा के सामने कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। हमने तो प्रत्यक्ष में देखा, हरिद्वार में एक से एक महारथी एक महीना के शिविर लगाए हुए थे। किसी का शिविर दो दिन में उखड़ गया, किसी का चार दिन में उखड़ गया, किसी का सात दिन में उखड़ गया। बड़े बड़े महारथी कैंप को समेट करके कमरे में घुस गए, मिलने तक के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पास भी डीएम का फोन आता था, एसएसपी का फोन आता था, एसडीएम का फोन आता था, महाराज सारे कैंप बंद हो गए और आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो। हम बंद नहीं कर रहे, क्यों? हमारे कैंप के अंदर यदि एक भी भक्त को कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा तो हम उसी दिन कैंप बंद कर देंगे। डीएम ने मेरे कैंप के गेट पर ही कोरोना जांच का केंद्र स्थापित कर दिया, कोई भी इस कैंप से बाहर निकले तो जांच करो, कोई भी निकले तो जांच करो। सैकड़ों भक्त भारतवर्ष से पहुंचे हुए थे, ध्यान करके निकलते थे, सत्संग करके निकलते थे, सदगुरुदेव के प्रसाद ग्रहण करके निकलते थे। बाहर निकलते ही सरकारी कर्मचारी तुरंत पकड़ कर जांच करने लग जाते, किसी को भी एक महीने में कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। और जो मंदिर में से गणेश जी का दर्शन करके निकलते थे, काली माँ का दर्शन करके निकलते थे और देवी देवताओं का दर्शन करके निकलते थे, हर की पौड़ी में गंगा जी में स्नान करके निकलते थे, उनको जब जांच करने वाले पकड़ते थे तो कोरोना पॉजिटिव निकलता था, 14 दिन के लिए उनको बंद कर दिया जाता था। एक महीना तक कैंप चलता रहा लेकिन किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। यहाँ भी अभी वर्तमान में बहुत भक्त होंगे जिन्होंने भाग लिया था। सदगुरु की करुणा की छत्र छाया में जो हैं उनका कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। हम लोग तो रोज पाठ करते हैं, सदगुरु करण कर तर ठहर अधर में ही जावे पार में। सदगुरु की करुणा की छत्र छाया में जो शिष्य सदैव रहेगा वह इस पार में रहेगा। इस पार संसार है और उस पार परमार्थ है, संसार से पार होकर के परमार्थ स्वरूप हो जाएगा, उनका कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। देखिए पूज्यपाद के मनोरथ कैसे, हर बात में गुरु की करुणा होती है। शायद पिछले साल यदि आयोजन हो जाता तो इतनी भीड़ नहीं हो पाती, इतने लोगों को लाभ नहीं हो पाता। गुरु महाराज चाहते थे कि सारे विघ्न, सारे ग्रह, सारे जाल जंजाल परिहारी के जब खत्म हो जाएंगे तब यह 11वां महाधिवेशन आरंभ होगा और खूब सुंदर ढंग से संपन्न होगा। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें,
पवित्र कल्पना यदि सत्शिष्य के अंदर में है, सदगुरुदेव उस कल्पना को पूर्ण करते हैं, उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। आप लोग प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, आज ये मनोरथ पूर्ण होते हुए दिखलाई दे रहे हैं। मैं तो बहुत जगह सत्संग में जाता हूँ, 3 दिनों का आयोजन मांगने के लिए मेरे साथ आता है तो मैं कह देता हूँ, पहला दिन तो कोई आता ही नहीं, थोड़ा बहुत आता है, अरे 2 दिन का ही रखो, पहला दिन तो ऐसे ही आवत जावत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जितना बड़ा पंडाल बनाया गया है, उस पंडाल से बाहर पहला ही दिन आदमी हो गए। सत्शिष्य के अंदर यदि सात्विक मनोरथ हो, उस मनोरथ को 100 गुना अधिक बढ़ा करके सदगुरु रूपी कल्प वृक्ष पूर्ण करके दिखलाते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। मेरे से एक भगत ने कह दिया, महाराज आप कह रहे हो गुरु कल्प वृक्ष है, मनोरथ सब सरे यह व्याख्या कर रहे हो, यदि मेरे मन में मनोरथ हो जाए कि सामने वाले पड़ोसी के घर का सब कुछ मेरे घर आ जाए, ये भी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। मैंने कह दिया, सदगुरु के सत्शिष्य के अंदर ऐसा मनोरथ कभी हो ही नहीं सकता है कि दूसरे घर का मेरे घर आ जाए। उस शिष्य के अंदर तो सदैव यही मनोरथ रहता है, जैसे हमारे पंडित जी सुबह सुना रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मार्गः, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। ऐसा मनोरथ सत्शिष्य के अंदर में होता है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सर, काम धेनु गुरु होए चुता कृष्णा हरे। काम धेनु गाय की बड़ी चर्चा है, गुरु वशिष्ठ जी के पास भी काम धेनु गाय, गुरु वशिष्ठ जी की कोई दुर्गति बाकी नहीं रही, सारे बेटे उनके सामने ही विश्वामित्र मुनि के द्वारा आसमान में चले गए, इतने मनोरथ सिद्ध हुए। और जब दग्नि ऋषि के आश्रम पर भी कामधेनु का, दग्नि ऋषि के इतिहास को भागवत में पढ़ करके देख लीजिए, सहस्रार्जुन के बेटे उनके सिर काट लिए, कहाँ कामधेनु गाय रक्षा कर पाई। लेकिन सदगुरु ऐसे कामधेनु गाय हैं कि जिसकी छत्र छाया में सत्शिष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसका कभी किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं होता है। सत्शिष्य का कभी भी अनिष्ट नहीं होता है, इसीलिए भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा, गुरु मभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। गुरु की पूजा करने से, यहाँ पर लोग जो संत मत से जुड़े हुए हैं वे तो जयकार सुनकर बड़े खुश होते हैं, और जो इधर उधर के हैं वे सोचते हैं क्या ये पंथ है, कभी ना राम की जय बोलते, ना कभी हनुमान की जय बोलते, ना काली की जय, ना दुर्गा की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसकी जय बोले बगैर शिष्य सदैव समस्त इंद्रियों के प्रहारों से पराजय को ही प्राप्त होते रहते हैं, ऐसे की जय यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, ऐसे की पूजा अर्चा हम लोग करते हैं। गुरु मध्यर्थ वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया, ऐसे की जय, गुरु की पूजा यहाँ पर होती है। आयु कौन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, सब आयु को बढ़ाना चाहते हैं। आचार्य शंकर की आयु मात्र 8 साल की थी, लेकिन जब आचार्य गोविंद पाद की शरण में गए तो उनकी आयु 8 से 16 साल की हो गई।
और जब वे ही आचार्य शंकर उत्तर काशी में भगवान वेद व्यास जी के शरण में गए तो वहाँ जाने से 16 से 32 हो गए। यह तो गुरु की पूजा की महिमा है। यदि सब लोग अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, और सब बढ़ाना चाहते ही हैं, 90 साल की उम्र में भी कोई आयु को घटाना नहीं चाहते हैं। एक बुढ़ा को मैंने देखा 90 साल की उम्र में छटपटा रहा था, आकुल व्याकुल हो रहा था। मैंने उस बुढ़े से कहा, इतना आकुल व्याकुल हो रहा है, कहो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान तुमको उठा ले। और बुढ़ा इतना बिगड़ा मेरे ऊपर, हमको भगवान उठा ले, भगवान तुमको उठा ले, तू पहले ऊपर चला जा। कोई नहीं ऊपर जाना चाहता है, सब अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है। लेकिन आयु को बढ़ाने वाले देवता कौन है? वैद्य धन्वंतरी मर गए, पलटू अमर न कोई। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी के बेटे भी मर गए। धन्वंतरी जो भगवान के अवतार थे वे भी चले गए, पलटू अमर न कोई। लेकिन भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं, गुरु मध्यर्थ वर्धन्ते आयुषा। गुरु की सेवा करने से, गुरु की पूजा करने से सबसे पहले आयु बढ़ती है। चिरंजीवी होना चाहते हैं तो गुरु की सेवा करें। मैंने ऐसा सुना है, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की आयु पूरी हो गई थी, लेकिन बहुत दिनों तक बच्चे रहे किनकी कृपा से। उनको लेने के लिए काल कौवा का रूप लेकर के आ गया था, काला कौवा का रूप। गुरु महाराज के पलंग के नीचे घुसकर बैठ गया था। अब इस ताक में है कि ये महाराज जी गुरु महाराज की शरण से थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो जाए तो मैं उठा करके ले जाऊं। लेकिन महाराज जी ऐसे कि एक टक से गुरु महाराज को देख रहे थे। जो शिष्य एक टक से गुरु की तरफ देखते हैं तो ऐसे शिष्य को सदगुरु भी एक टक से देखते हैं। दोनों की टक जब मिल जाती है, दोनों की नज़र जब मिल जाती है, उस बीच में काल भी प्रवेश नहीं कर सकते। जब नज़र इधर उधर हो जाती है उसी बीच में मौत घुसती है, काल प्रवेश करता है। यदि दोनों की नज़र हिले नहीं, मिले रहे, बीच में कोई भी नहीं घुस सकता है। घुसाते तो हैं काल को हम, घुसाते तो हैं मौत को हम। यदि सदगुरु की तरफ से नज़र हटे नहीं तो सदगुरु की भी नज़र उस भक्त के ऊपर से हटेगी नहीं। गुरु महाराज एक टक से पूज्यपाद को देख रहे थे, पूज्यपाद गुरु महाराज की तरफ देख रहे थे। काल सोच रहा था ये देखना थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए तो मैं उठा करके ले जाऊं। लेकिन सच्चे शिष्य जो होते हैं सदगुरु से नज़र कभी नहीं हटाते। और सच्चे सदगुरु जो होते हैं अपने सत शिष्य को सदैव देखते ही रहते हैं। कौवा हार करके अब सोचता है करूं क्या। तब तक गुरु महाराज बोलते हैं कि राम के राजत्व काल में पिता के रहते पुत्र मर गया था, यह मैं ही दास का राज्य है, इसीलिए पिता के रहते पुत्र नहीं मरेगा। और वर्षों वर्षों पूज्यपाद संसार में ज्ञान को बिखेरते रहे। गुरु की पूजा करने से आयु बढ़ती है, गुरु की पूजा करने से दुनिया में नाम बढ़ता है। आप नाम के लिए काहे पागल हो रहा है? इलेक्शन लड़ करके नाम बढ़ेगा, पैसे से नाम बढ़ेगा, दुनिया के धंधों से नाम बढ़ेगा,
एकमात्र सदगुरु की अनन्यता से कोई पूजा कर ले तो दुनिया में इतना नाम बढ़ेगा कि सारी दुनिया के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे नाम घटाने के लिए, तो भी नाम कभी घटेगा नहीं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नाम बढ़ता चला जाएगा, यश बढ़ता है और श्रिया लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि सब कुछ की वृद्धि चाहते हैं तो मन वचन कर्म से सदगुरु की सेवा करते रहें, सदगुरु की पूजा करते रहें। यही थोड़ा सा शब्द सदगुरु की महिमा पर, सदगुरुदेव के चरणों पर समर्पित कर रहा हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री महाराज की जय। आपका विशाल जन समुदाय को देखकर हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अभी कुछ बात ब्रह्मर्षि स्वामी शशिकांत जी महाराज के पास माइक दिया जा रहा है। आपसे करवट प्रार्थना है कि आप अपने श्रीमुख से हम लोगों को कुछ आशीर्वचन कहें जिसे हम लोग लाभान्वित हो सके। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। जहाँ रवि करने उपस्थित परम श्रद्धेय महात्मा गण, सत्संग प्रेमी जनगण, माताओं तथा बहनों, मेरी आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है इसीलिए मैंने पहले ही अपने प्रिय अनुज व्यास जी से कह दिया था आपको बोलना है, मेरी आवाज लोग समझ नहीं सकेंगे और आप जो कहेंगे वो मैं ही कहूंगा। अभी जो कुछ व्यास जी से सुने हैं मैं उस आवाज में प्रेम से बैठा हुआ रहा और सभी लाभान्वित होते रहे। फिर इनकी इच्छा हुई कि नहीं दो शब्द आशीर्वाद कर दीजिए, तो आशीर्वाद तो यही आशीर्वाद है। अब मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि भारतवर्ष स्त्रीय भारतीय संगीत कला के पुरोधा आदरणीय राणा झा हैं, जो भारतीय संगीतज्ञों की श्रृंखला में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। वे आए हैं, यदि मंच पर आए हों तो मेरा आग्रह होगा कि आप एक भजन संतवाणी से सदगुरु की सेवा कर लें, अच्छा रहेगा। आज रविवार है,
भजमन सदगुरु आध्यात्मिक नाम कीर्तन यह अत्यावश्यक है। तो आप आदरणीय श्री राणा था आ चुके हैं अभी, तो एक भजन उनके स्वर में सुने, यद्यपि वे भी अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, फिर भी मेरे आग्रह को स्वीकार करके वे दिल्ली से बोकारो आए और बोकारो से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक संतवाणी भजन आप गाएं, तत्पश्चात फिर आध्यात्मिक नाम कीर्तन और आरती होगी और आप लोग सभी